ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ www.tehlkapanjab.tv। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाह रहे थे जो आज की और ट्रेल आई, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो जजमेंट आई है वो आई है दो केसेस जो फाइल किए थे पूरन सिंह ने, जिसने अपने आप को एक याचिका डाली थी जिसमें पूरन सिंह ने अपने आप को महाराजी का ड्राइवर कहा था। कोर्ट ने उसकी याचिका को मेंटेनेबल ही नहीं ठहराया और उसे वहीं पर ड्रॉप कर दिया। दूसरी याचिका थी एक दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसके चलते कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। और जहां तक जो ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर जो क्रिमिशन के कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो किया, वो ऑर्डर अभी तक, वो ऑर्डर एक्चुअली उसकी डिसीजन पे चाहिए नहीं हुई है, इसलिए अब हम आगे हायर कोर्ट में डबल बेंच पे जाएंगे हाई कोर्ट में और वहां पे हम अपनी अपील करेंगे और बहुत सारे रास्ते हैं। एक लीगल फाइट है जो चलेगी और हम उसमें अपनी बात को रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बात को सुनेगा, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक बात की गई है कि कोर्ट संस्था में बहुत ज़्यादा मसल पावर दिखा रही है, संस्था में बहुत सारे लोग बुला लिए गए, यूथ बुला लिया गया, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। जितना यूथ आज है यहाँ पे, ये यूथ 2002 से है यहाँ पे। जितनी भी मारे जी को थ्रेट परसेप्शंस पहले रही हैं, उन थ्रेट परसेप्शंस के चलते ही तभी पुलिस ने भी हमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमें एडवाइज़ किया था कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और आश्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप अपने सेवादारों की ड्यूटी लगाएं, उनको नियुक्त करें और वो आकर सारी चीजों को, व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते ये सब जो सेवादार लगे हुए हैं, रेगुलर लगे हुए हैं, एक भी एडिशनल मैन पावर या एक भी एडिशनल फोर्स नहीं लगाई गई है संस्था की तरफ से। हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, डिनाई करते हैं, ऐसा कतई नहीं हुआ है। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं, उसी प्रकार से चल रही हैं, सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य है और कोई किसी प्रकार का क्योस नहीं है। और ना ही कोर्ट कल से कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में भी आज लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी का फ्यूड है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर तो हमारा ज्ञान है और ज्ञान तो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, इसलिए कहीं भी संस्था के अंदर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है। पिछले 10 महीनों में आपने देख लिया कोई एक भी उंगली उठी हो, किसी एक व्यक्ति ने उठकर कहा हो। जो भी लोग कह रहे हैं समाज को करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारा आप सबसे सक्सेशन और प्रॉपर्टी का कोई भी ऐसा वो नहीं है हमारे अंदर, कोई भी किसी भी प्रकार का। हमने इन बातों को पहले भी रखा है, आज दोबारा से रख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातें पहले भी चली और मुझे नहीं लगता किसी कोई भी एक बात रह गई थी जब लोगों ने कहा कि आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, मुझे नहीं लगा कोई एक भी इतना सा पॉइंट रह गया था जिसपे हमने नहीं बोला। हम सभी पॉइंट्स पे पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई डिस्प्यूट नहीं है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन,
ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੂ ਐਨੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ, ਐਸਾ ਕਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਮ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਸਮਾਜ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰਾ ਆਪ ਸਬਸੇ ਕਰਬਦ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਹਮੇ ਆਪਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਏ, ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਕਾ, ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਅਧਿਆਤਮ ਕੋ ਅੱਛੇ ਸੇ ਫੈਲਾਨੇ ਕਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰਾ ਆਪ ਸਬਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਕੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਤੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰੇ। ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕਰ ਆਪ ਪੁੱਛੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਈ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰਸ ਆਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਜਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਏ ਮੈਸੇਜ, ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਆਪਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਹਮ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕੋ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਬ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਯੋਗੀਓਂ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਐਸੇ ਅਨੇਕੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਥੀ ਕੋਰਟ ਕੀ, ਓਵਰਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੀ ਥੀ, I think if there are any other questions, you can personally ask us and we will give you answers. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਅਧਾਰਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ, ਦੁਆਬਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ।